अगर आप देखें तो 1907 में हम टाटा कंपनी लगा है, वहाँ हमने जमीनें दी है, हमारे लोग वहाँ बसे थे, लेकिन आज वो हमारे लोग कहाँ चले गए, वो कहाँ चले गए? सरकार अगर सरकार आज तक 11 बार बदली है झारखंड में, लेकिन किसी के भी डेटा है क्या कि ये जो हमारे लोग जो है वहाँ पे हमारे लोग जमीन दिए, पूर्वी लोग थे, संताल लोग थे और हो लोग थे, वो कहाँ खो गए? यहाँ पे जितने भी विधायक हैं, 6 के 6 विधायक, मैं खुली चुनौती देता हूँ, अगर आप में दम है ना तो जाकर इस बात को रखिए, यहाँ के ही सिर्फ लोग नौकरी करेंगे। और यहाँ के 5वीं अनुसूची पैसा फॉरेस्ट राइट एक्ट, इन तमाम चीजों पर बात होनी चाहिए। थोड़ा दंपति को माफी मांगना ही होगा, उन्होंने किस हिसाब से कहा कि कोल्हान जलेगा, उनके पास कौन सी डेटा है जो 45 लाख लोग रिफ्यूजी होंगे कहा, उन्होंने कैसे कह दिया कि कोल्हान में 1932 में सर्वे सेटलमेंट नहीं हुआ, क्या उसके पास कोई तथ्य है, किसके पास कोई लॉजिक है? अगर आज तो हम लोग 1932 का मांग कर रहे हैं, अगर 1900 का फिर मांग करने लगे ना तो फिर इन लोग का सब चीज हम लोग निकाल देंगे। वासिम जी, कार्यक्रम क्या क्या है आपका? जी आज झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति के बैनर तले आज एक दिवसीय जन आक्रोश रैली करने के लिए हम लोग आए हुए हैं, क्योंकि जैसे 14 सितंबर को कैबिनेट में जिस हिसाब से 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति पर लेकर यह बिल पारित हुई है, इसके बाद जिस तरीके से कोल्हान में, खासकर कोल्हान में ऐसे कुछ सांसद और विधायक हैं जो इसके खिलाफ अपनी जो बातें हैं बयान काफी गलत तरीके से रखा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ काफी जो अगर पूरे कोल्हान में अगर देखते हैं तो सबसे पहले 1933 में पहली कैडेस्टल सेटलमेंट यहाँ पे हुई थी, इसके बाद 1897 में हुई थी, लेकिन हमारे यहाँ खासकर कोड़ा दंपति ने जिस हिसाब से यहाँ अपनी बातें रखी, आप देखेंगे कि इसके चलते जो हमारे विरोधी जो लोग हैं, बाहर के जो लोग हैं, उनको मनोबल बढ़ा है इसके चलते। तो आज सबसे पहले घोड़ा दंपति को हम लोग ये बताने आए हैं कि आपको माफी मांगनी होगी, अगर आप माफी नहीं मांगते तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम लोग वो हासिल करेंगे जो आज हम लोग करेंगे, क्योंकि 2024 आने वाली है, क्योंकि हमने उसके लिए प्रचार किया है, हमने उसके लिए वोट दिया है, और इस तरह के बातें रखते हैं कि कोल्हान जलेगा, भाई कोल्हान कौन जलाएगा? आज अगर वो मांग करते हैं कि 1934 किस हिसाब से, कोई तर्क है, कोई डेटा है? अगर उसके पास कोई तर्क है, कोई डेटा है तो बताएं, प्रेजेंट करें कि मेरे इतने लोग रिफ्यूजी हो जाएंगे, कैसे होंगे? कि हवा में बात बोल देने से नहीं होता है। तो साथियों, ये बात ऐसा है कि सबसे पहली बात तो ये लोग जो आते हैं माइंस एरिया से, माइंस जो इधर लगे हैं, अगर आप हम लोग 1932 है बहुत पीछे नहीं गया है, जैसे अखिलेश श्रीवास्तव जी ने सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है, उन्होंने कहा था कि बहुत पीछे नहीं गया है, इसको और पीछे जाना चाहिए 1900 आसपास, क्योंकि अगर आप देखते तो 1907 में हमारा टाटा कंपनी लगा है, वहाँ हमने जमीनें दी है, हमारे लोग वहाँ बसे थे, लेकिन आज वो हमारे लोग कहाँ चले गए, वो कहाँ चले गए? सरकार आज तक 11 बार बदली है झारखंड में, लेकिन किसी के भी डेटा है क्या कि ये जो हमारे लोग जो है वहाँ पे हमारे लोग जमीन दिए, कुर्मी लोग थे, संताल लोग थे और हो लोग थे, वो कहाँ खो गए? क्या हम लोग यही जमीन देते रहेंगे और हम लोग विस्थापित हो रहे हैं? 22 साल में हम लोगों ने सिर्फ विस्थापित झेला है, 22 साल में हम लोगों ने सिर्फ हम लोग को शोषण, अत्याचार, अन्याय झेला है। आज तक अगर आप देखिए तो यहाँ छोटे छोटे ये नौकरी में आप देखते हैं, यहाँ सीओ बीडीओ जितने भी है बाहर से लोग आते हैं और ये हमारे लोगों को शोषण करते हैं, यही कारण है। तो आज घोड़ा दंपति को ये समझना होगा, मैंने उस दिन भी एक बयान दिया था कि जो घोड़ा दंपति ने बयान दिया था वो निश्चित तौर से बिना सोचे समझे, बिना पढ़े लिखे, बिना रिसर्च किए, मैं पूरी जिम्मेदारी के बाद साथ मैं अपनी बात रखता हूँ, जब भी मैं बात रखता हूँ पूरी रिसर्च के बाद मैं अपनी बात रखता हूँ। मैं बसंत जी डेटा दीजिएगा थोड़ा सा, अगर आप देते हैं तो मेरे पास जितने चीजें हैं मैं सब यहाँ लेके रखा हूँ, मैं यहाँ सब चीज लेके रखा हूँ। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो कोल्हान में जो पहला कैडेस्टल सेटलमेंट हुई है 1833 में पहला, इसके बाद आप कैडेस्टल सेटलमेंट जो हुई थी 1897 में, ठीक है, इसके बाद फर्स्ट रिविजनल सर्वे जो हुई है 1913 से 1919 के बीच में, इसके बाद सेकेंड रिविजनल सर्वे हुई है 1958 से 1995 के बीच में। तो कोड़ा दंपति किसी अनुसार ये कह दिया कि यहाँ कोल्हान जलेगा, किस हिसाब से जलेगा, यहाँ तो भाई उससे पहले हमारा सेटलमेंट हो चुकी है, तो यहाँ हमारे मूल निवासी आदिवासी जो लोग हैं बरसों से हजारों हजार साल से यहाँ रह रहे, वे लोग यहाँ पे उन लोग को अपना अधिकार मिलेगा, छोटे छोटे नौकरियों में उन लोग को अधिकार मिलेगा, लेकिन कोड़ा दंपति ये कहती है कि यह कोल्हान
चलेगा रिफ्यूजी होंगे। आप देखते हैं उसे कुछ उदाहरण आपको दे देते हैं मीना जी। आप देखिएगा यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है झारखंड सरकार कि झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में निवास करता हो एवं स्वयं अथवा उसके पूर्वज के नाम 1932 अथवा उसके पूर्व सर्वे खतियान में दर्ज हो। इसका मतलब हमारे पास जो सर्वे हुई है पहले जो फर्स्ट रिविजनल सर्वे हुई है 1913 से 1920 के बीच में, इसका मतलब इसके अंदर हम लोग आ रहे हैं और किसी को डरने की जरूरत है नहीं है। ये हमारे लिए अधिकार की बात है और हमारे अधिकार प्रोटेक्ट करने की बात है। और आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। अगर आज तक 22 साल में स्थानीय नीति लागू नहीं होने के कारण क्या क्या हम लोग को झेलना पड़ा है आप देखिएगा। खूंटी की दो सिचिकाओं का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। देख रहे फर्जी तरीके, क्योंकि ये जो है बाहर के लोग आते हैं फर्जी तरीके से स्थानीय नीति स्थानीय प्रमाण पत्र बना करके यहाँ पे लोग नौकरी में चले जाते हैं। आप अगर आप आगे दिखाते हैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार निवासी बनेंगे राज्य के प्राथमिक स्कूलों का शिक्षा। मतलब क्या है, जहाँ उड़ीसा वाले उड़िया लोग बनेंगे, बिहार वाले बिहारी बनेंगे, छत्तीसगढ़ वाले छत्तीसगढ़िया बनेंगे। और यहाँ जो प्लस टू के अभी हाल के आपको बता रहे हैं प्लस टू का जो वैकेंट निकला है टीचर बहाली, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ जो पूरे भारत के लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या ये चरागा बनाकर रखा गया है सरकार को इसको भी तुरंत इसको अमेंडमेंट करके ये लागू करना चाहिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ झारखंड के लोग ही यहाँ पे नौकरी करेंगे, वो भी 1932 के बाद जो स्थानीय नीति बनेंगे उसके अनुरूप नियोजन नीति तैयार किया जाना चाहिए। और मैं आपको उदाहरण देता हूँ यहाँ पे, फिर आपको देखिएगा जेपीएससी ने स्वीकारा ओएमआर सीट के बिना 49 को किया गया था पास। आप देखिए ये स्थिति है हमारा झारखंड का, बिना ओएमआर सीट चेक किए लोग पास हो जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं, क्या हुए गरीब लोग हैं या फिर बड़े बड़े नेता मंत्री लोग के बच्चे हैं? सब ये लोग नेता मंत्री लोग के बच्चे यही लोग जो लोग आज 1932 का विरोध कर रहे हैं। तो पूरी तरह से मैं विरोध करता हूँ और मैं कह देता हूँ कि अगर आपने इसका अपने बयान वापस नहीं लिया और कोल्हान के लोगों से माफी नहीं मांगा तो मैं वो हासिल करूंगा जो आपके लिए हम लोगों ने ये कर रखा है कि कुआं खोद के रखा है। जब 2024 आएगी तो वहीं पे हम लोग दखल दें, ये हम लोग करने के लिए हम लोग ये किए। थोड़ा जी का पहला बयान, फिर एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर दूसरा बयान आया कि हम 32 का विरोध नहीं करते हैं। उनका कहना था जो विगत दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कि 1964 सेटलमेंट को भी उसमें शामिल किया जाए, इस पर क्या कहना है? देखिए सबसे पहली बात तो आप देखिए, पहले उन्होंने बयान दिया कि 1932 कभी लागू भी नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा इसके बाद का 45 लाख लोग यहाँ रिफ्यूज हो जाएंगे। उन्होंने कहा इसके बाद कोल्हान जलेगा। जब मैंने एक वीडियो रिलीज किया था आपने देखा होगा, उस वीडियो में साफ साफ मैंने कहा, पूरे तथ्यों के साथ अपनी बात रखी, पूरे तथ्यों के साथ जब बात रखे तो उन्होंने आकर के दबाव में अपनी बयान चेंज कर दिया। इसके बाद हमने तो 1932 का विरोध नहीं किया, हमने तो सिर्फ यहाँ इसका बात कहा इस तरह के। इसके बाद मन की मुंडा व्यवस्था के बारे में बात करने लगा, ये गिरगिट की तरह अपनी बातें रख रहे हैं क्योंकि इन लोग अपनी जनभावनाओं से कोई मतलब नहीं है। लोगों के क्या भावनाओं है, उसका क्या चीज है, उसको कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और यहाँ विधानसभा लोकसभा में कैसे रखा जाए, इसको लोग के पास कोई चीज नहीं। हम ये केवल थोड़ा दंपति का बात नहीं रख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी विधायक हैं 6 के 6 विधायक, मैं खुली चुनौती देता हूँ अगर आप में दम है ना तो जाकर इस बात को रखिए यहाँ के ही सिर्फ लोग नौकरी करेंगे। और यहाँ का 5वीं अनुसूची पैसा फॉरेस्ट राइट एक्ट, इन तमाम चीजों पर बात होनी चाहिए। चाहे सुखराम उरा हो, चाहे जोबा मांझी हो, चाहे दीपक बिरुआ हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी है, मैं पूरी तौर पर चुनौती देता हूँ अगर आपने हमारी बातों को रखने के लिए सबसे पीछे बैठोगे और जो भी बात रखने टेबल तब तपाते हैं तो ये होने वाला नहीं है। आप क्योंकि युवाओं का नेतृत्व में अभी जो आंदोलन चल रही है ये युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि युवा क्षण भर में अपनी जो रुख बदल देते हैं हवाओं का, इसीलिए ये हवाओं के साथ टकराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तो हम लोग तूफान है, तूफान जब चाहेंगे तब हम लोग पलट देंगे, ये क्षमता हम लोगों ने विकसित कर ली है। अगर इस तरह से और कुछ हमारे पास चीजें हैं आपको दिखाते हैं उदाहरण, हमारे पास कुछ यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं झारखंड सरकार ने कुछ दिन पहले क्या रिलीज किया था, देखिए झारखंड में अब ऐसे होगी जमीन की रजिस्ट्री, खतियान नहीं होने पर भी आपके पास क्या है विकल्प। मतलब यहाँ जो
जमीन जो है बिना खतियान का रजिस्ट्री होगा। भाई कैसे होगा, कैसे होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ बिना खतियान का रजिस्ट्री कैसे होगा। आप देखिएगा यहाँ पे कुछ दिन पहले हमारे जमीन है 1932 का में हमारे लोगों का जमीन है और 1964 में बदल कर आप देखिएगा बदल करके वहाँ कोई चौरासिया ले रहा है। क्या मतलब है, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सीएनटी एक्ट 46 में आप देखिएगा तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि एसटी एससी ओबीसी का जमीन उसी कौम का आदमी ले सकता है, किसी और नहीं ले सकता, ये साफ साफ लिखा गया है। और अगर आप सीएनटी एक्ट 71A में लिखा हुआ है कि जो भी अगर गलत तरीके से जमीन हस्तांतरण हुआ है तो ये जो है डीसी का ये कर्तव्य बनता है कि वो जो जमीन पुनः इसको वापस किया जाए, ये उसमें लिखा हुआ है सीएनटी एक्ट 71A में। लेकिन यहाँ कितने जमीन हम लोग का वापस हुआ है, हेमंत सोरेन से मैं आग्रह करूंगा कि आप इस तरह की जमीन जितने भी हस्तांतरित हुई है उस जमीनों को हमको पुनः वापस चाहिए। और फिर आप देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा मूल निवासी बिहार के पर झारखंड में पिता कार्यरत तो संतान को मिलेगा नियुक्ति में आरक्षण का लाभ। ये स्थिति है, मतलब बाहर के लोग हाल फिलहाल में नौकरी करेंगे यहाँ उसके पिताजी, इसके बाद बोलेगा कि नहीं वो भी यहाँ नौकरी करेगा, क्या मतलब है, ये स्थिति है। और आप देखिएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मेरे पास बहुत सारा डाटा है तो आप देखिएगा तो मैं साफ तौर शब्दों पर मैं कह देता हूँ, साफ तौर शब्दों पर मैं कह देता हूँ कि थोड़ा दंपति को माफी मांगना ही होगा। उन्होंने किस हिसाब से कहा कि कोल्हान जलेगा, उन्होंने के पास कौन सी डेटा है जो 45 लाख लोग रिफ्यूजी होंगे कहा, उन्होंने कैसे कह दिया कि कोल्हान में 1932 में सर्वे सेटलमेंट नहीं हुआ, क्या उसके पास कोई तथ्य है, किसके पास कोई लॉजिक है। अगर आज तो हम लोग 1932 का मांग कर रहे हैं, अगर 1900 का फिर मांग करने लगे ना तो फिर इन लोग का सब चीज हम लोग घेगड़ी निकाल देंगे। सीधे से मैं कह देता हूँ, मैं क्षमा चाहूंगा काफी समय है और मैं जेना जी से आग्रह करूंगा कि हम लोगों ने प्रेस ब्रीफ हम लोग बाद में दे देंगे आराम से।